कांग्रेस से नहीं हुआ आपका गठबंधन। हरियाणा की 20 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जो ये साफ कर देते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो सका है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में कई प्रमुख नाम शामिल हैं। कलायत से अनुराग ढांडा को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि पुंडरी से नरेंद्र शर्मा, भिवानी से इंदु शर्मा और मेहम से विकास नेहरा को टिकट मिला है। इससे ये साफ हो गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर पहले चर्चा थी कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात नहीं बनी, आपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करके स्पष्ट कर दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने पहले ही 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और आम आदमी पार्टी ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिन पर कांग्रेस ने पहले ही प्रत्याशी घोषित किए थे। इस समय जब दोनों दलों के बीच गठबंधन की बातें चल रही थी, आम आदमी पार्टी का यह कदम चौंकाने वाला रहा। अब दोनों पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान होगा। एक ही चरण में सभी सीटों पर वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।